नमस्कार मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी लेकर। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। दैनिक मूल्यों को उजागर करने के लिए विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। संचार और वैश्वीकरण में अहम भूमिका भी निभाता है। टेलीविजन जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जिससे मनोरंजन, शिक्षा और खबर, राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में सूचनाएं मिलती हैं। ये शिक्षा और मनोरंजन दोनों का स्रोत है। टीवी का आविष्कार जॉन लागीबेर्ड ने 26 जनवरी 1926 में किया था। जॉन लागीबेर्ड और उनके सहायक विलियम टाइटन वो पहले इंसान हैं जो सबसे पहले टीवी पर आए थे। भारत में पहली बार टीवी 1950 में आया। चेन्नई के एक इंजीनियर छात्र ने प्रदर्शनी में पहली बार टेलीविज़न सबके सामने रखा। भारत ने पहला टेलीविज़न का सेट कोलकाता के एक अमीर नियोगी परिवार ने खरीदा था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो ने रोज़ाना टीवी ट्रांसमिशन शुरू कर दिया। 1976 में सरकार ने टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया और 1982 में पहली बार राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल की शुरुआत हुई। इसी साल देश में पहला कलर टीवी भी आया। वर्ष 1907 में टेलीविज़न को अंग्रेजी में एक शब्द के रूप में पहचान दी गई। 1948 में संक्षिप्त नाम टीवी अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार टेलीविज़न वीडियो उपभोग का सबसे बड़ा स्रोत है। वैश्विक निकाय ने कहा कि दुनिया भर में टीवी घरों की संख्या वर्ष 2017 में करीब 1.5 मिलियन से बढ़कर 2.25 बिलियन हो जाएगी। विश्व टेलीविज़न दिवस दृश्य मीडिया की शक्ति की याद दिलाता है। यह जनमत को आकार देने और विश्व राजनीति को प्रभावित करने में मदद भी करता है। पहला विश्व टेलीविज़न मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। संचार और वैश्वीकरण में टेलीविज़न नाटकों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बैठक इस दिन होती है। वैश्विक अवलोकन दिवस प्रसारण मीडिया की भूमिका को स्वीकार करता है। लेखक, पत्रकार, ब्लॉगर और माध्यम से जुड़े अन्य लोग इस दिन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं। टेलीविज़न प्रसारण के उभरते और पारंपरिक रूपों के बीच हमारे समुदायों और हमारे ग्रह के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर पैदा करती है। विश्व टेलीविज़न दिवस भी सरकारों, समाचार संगठनों और व्यक्तियों की प्रतिबद्धता को चिन्हित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 में 21 और 22 नवंबर को विश्व के प्रथम टेलीविज़न फोरम का आयोजन किया था। इस दिन पूरे विश्व के मीडिया हस्तियों ने संयुक्त राष्ट्र के संरक्षण में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान टेलीविज़न के विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में काफ़ी चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने इस तथ्य पर भी चर्चा की कि विश्व को परिवर्तित करने में इसका क्या योगदान है। उन्होंने आपसे सहयोग से इसके महत्व के बारे में चर्चा की। यही कारण था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर की तिथि को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में चिन्हित किया। विश्व टेलीविज़न दिवस जनमत को आकार देने और विश्व की राजनीति को प्रभावित करने में भी मदद करता है। वर्तमान समाज में सूचना और प्रौद्योगिकी संचार के इस्तेमाल ने हमारी निर्भरता को मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, व्यक्ति संबंधों, यात्रा आदि के बारे में इस पर निर्भर बना दिया है। इसकी वजह से आज हम इसके गुलाम जैसे हो गए हैं। हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान में सूचना तकनीक ने विश्व को अपने हाथों में नियंत्रित कर लिया है। वर्तमान में टेलीविज़न से जुड़ा हर नया अनुभव हमारे जीवन को उत्तेजित करता है।
यह हमारे जीवन को कई संदर्भों में प्रभावित भी करता है। आजकल देखने में आया है कि टेलीविज़न की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है कि हम पीछे के टेलीविज़न के युग को देखते हैं तो उससे हम कई गुना आगे निकल चुके हैं। आज टेलीविज़न पर चैनलों की बाढ़ है। इन चैनलों की बाढ़ में टेलीविज़न के दर्शकों को यह तक अपने पसंदीदा चैनल का चयन करने में काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी की जो क्रांति है टेलीविज़न को और ज़्यादा लोकप्रिय बनाती है। टेलीविज़न विशेष रूप से युवाओं के बीच काफ़ी प्रभावशाली है। इस संदर्भ में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह उनके बीच कुछ समय बाद नई मूल्य प्रणाली का विकास करेगा। इस तरह की अद्भुत दुनिया में रहना अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य बन चुका है। साथ ही टेलीविज़न हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यह अभी भी नागरिकों की पहुंच से दूर है। पहला टेलीविज़न विज्ञापन 1 जुलाई 1941 को न्यूयॉर्क में प्रसारित हुआ था। यह 40 सेकंड का था और इसकी कीमत करीब $9 थी। तो मित्रों, ये थे आज के हमारी खास पेशकश। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर हाजिर होता हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।